यूक्रेन की तबाही का नया प्लान। पुतिन ने रचा नया चक्रव्यूह। पूरी स्टोरी इस वीडियो के जरिए देखिए। यूक्रेन बीते कुछ दिनों से रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। उसने कई गांव कब्जा कर लिया, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हथिया ली, लेकिन रूस ने तगड़ा जवाब दिया है। सोमवार सुबह से यूक्रेन के 15 शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। क्यू, खार्किव, ओडेसा और पश्चिमी एरिया को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर अटैक किए गए, जिसकी वजह से कई शहरों में बत्ती गुल हो गई। रूस की सेना अभी भी लगातार हवाई हमले कर रही है। यूक्रेन इसका जवाब नहीं दे पा रहा। अब पुतिन ने यूक्रेन की तबाही का नया चक्रव्यूह रचा है। ज़ेलेंस्की की आर्मी के लिए इससे निपटना आसान नहीं होगा। यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क इलाके पर कब्जा जमाए हुए है। कब्जा बनाए रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने बेलारूस के बॉर्डर से अपनी सारी सेना निकाल दी है और उसे रूस बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। लेकिन अब पुतिन ने अपने दोस्त बेलारूस को अपनी सेना बॉर्डर पर तैनात करने को कहा है। इसके बाद बेलारूस की आर्मी यूक्रेन बॉर्डर पर जमा हो रही है। ये देखकर ज़ेलेंस्की के पसीने छूट रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दो दो मोर्चे पर वो एक साथ कैसे लड़ेंगे। ज़ेलेंस्की की बेलारूस की चेतावनी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने बेलारूस से कहा कि वो अपनी सीमा पर भेजी गई सेना को तुरंत वापस बुला ले, क्योंकि यूक्रेनी सेना बॉर्डर पर नहीं आ सकती। अगर ऐसा नहीं किया तो उसे भी रूस की तरह हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेन का कहना है कि आर्मी एक्सरसाइज के नाम पर बेलारूस उससे जंग की तैयारी कर रहा है। भारी हथियार, टैंक और गोला बारूद बॉर्डर पर जमा कर रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बेलारूस को चेतावनी देते हैं कि वो अपने दोस्त पुतिन के जैसे गलतियां ना करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन बेलारूस कहां मानने वाला है? वो लगातार बॉर्डर पर फोर्स बढ़ाता जा रहा है। बेलारूस ने कहा कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चंद दिनों पहले ऐलान किया था कि वो अपनी एक तिहाई सेना को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर रहे हैं। इसके बाद से 120,000 से अधिक सैनिक बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। बेलारूस के बॉर्डर पर लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट, गोला बारूद जमा कर रहे हैं। एक दिन पहले बेलारूस के एयरक्राफ्ट रूस की सीमा में भी घुस गए थे। दोनों देशों के बीच 1,084 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे संभाल पाना यूक्रेन के लिए मुश्किल हो रहा है। उधर यूक्रेन का ये भी दावा है कि बेलारूसी सैनिकों के साथ साथ रूसी वैगनर ग्रुप के भारी के सैनिक भी सीमा के पास तैनात हैं। अगर इन्हें पीछे नहीं हटाया गया तो जंग और भी भयानक होगा।